Hello students, today I am uploading this video after some times because of some reasons. ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखी थी. उसमें एक टॉपिक जो है वो आधा है, उसमें उसका स्ट्रक्चर है स्पर्म स्ट्रक्चर. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म फॉर्मेशन हुआ था वो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलिए वो देखते हैं. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्पर्म की डायग्राम ड्रॉ की हुई है जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये डायग्राम आपको करनी है. ठीक है, ठीक है, वन बाय वन चलिए देखते हैं, उसके पार्ट्स देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पर्म. ठीक है, स्पर्म कंटेन्स फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इट. फोर टाइप्स पार्ट्स भी बोल सकते हैं, फोर पार्ट्स इंक्लूडेड इन इट. द फर्स्ट वन इज हेड, क्या प्रेजेंट होगा उसमें, हेड. द सेकेंड वन इज नेक, द थर्ड वन इज मिडल पीस एंड द लास्ट वन इज टेल. ठीक है, जनरली स्पर्म कंटेन्स दिस फोर पार्ट्स. ठीक है, वन बाय वन चलिए देखते हैं. हेड, इसमें डायग्राम में हेड दिखा रही हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, हेड स्ट्रक्चर है. ठीक है, और हेड देन उसके बाद नेक, ये जो छोटा सा पार्ट है जो मिडल पीस और हेड को जॉइंट कर रहा है. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, नेक रीजियन. द थर्ड वन इज मिडल पीस, मिडल पीस जो है ये वाला. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, मिडल पीस. एंड द लास्ट वन इज टेल, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, टेल. ओके, वन बाय वन चलिए स्टडी कर दें कि हेड क्या कंटेन करता है, उसका फंक्शन क्या है, नेक क्या क्या फंक्शन है, मिडल पीस का क्या फंक्शन है एंड टेल का क्या फंक्शन है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेड, हेड इट कंटेन्स द न्यूक्लियस पार्ट. ठीक है, ये वाला, ये क्या है, वो न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट है हेड. ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, सम द क्रोमेटिन मटेरियल्स. वो जो हेड है उसका जो न्यूक्लियस है वो जनरली कैसा होगा, हेप्लोइड. बिकॉज गैमेट्स जो ह्यूमंस में फॉर्म हो रहे हैं वो क्या होते हैं, हेप्लोइड. ठीक है, सो इसमें न्यूक्लियस जो है वो हेप्लोइड स्ट्रक्चर का है, हेप्लोइड है. देन उसमें क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है. ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल उसमें प्रेजेंट होगा एंड इट कंटेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके सराउंडिंग में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और न्यूक्लियस का जो अपर पार्ट है, ये जो छोटा सा यहाँ पे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक्रोसोम. सो न्यूक्लियस से लेके एक्रोसोम तक वो क्या सराउंडिंग में उसके क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमेटिन मटेरियल एंड केप्ड ऑफ ऑफ द एक्रोसोम. ठीक है, एक्रोसोम उसके ऊपर प्रेजेंट है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. उसमें क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. के जब स्पर्म ओवम के अंदर एंटर होंगे, ठीक है, ओवम के अंदर वो एंटर हो गए तो ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी सराउंडिंग की जो मेम्ब्रेन है, उसको वो क्या करेगा, डिसॉल्व करता है. सो एक्रोसोम कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स टू हेल्प इन द डिसॉल्विंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम. ठीक है, वो ओवम की मेम्ब्रेन को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा. सो इजीली स्पर्म जो है वो एंटर हो सके ओवम के अंदर. ओके, देन द सेकेंड वन इज नेक रीजन. नेक रीजन जो है वो न्यूक्लियस का जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, बिलो पार्ट जो है वो, इसको क्या कहेंगे, नेक. एंड दिस नेक रीजन कंटेन्स प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स. उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो ऊपर न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा एंड जो डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो इसके टेल रीजन के लिए साथ, उसके साथ वो अटैच होगा. देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, तो ये उसके साथ अटैच होगा. देन द थर्ड वन इज मिडल पीस. ओके, मिडल पीस जो है वो नेक का नीचे का रीजन है. इन दीज मिडल पीस कंटेन्स
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वो क्या कंटेन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जनरली, उसका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है कि वो एनर्जी सोर्स है, वो ऑर्गेन्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा था दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए उसको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कि स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर एंटर होगा तो उसकी मोटिलिटी होती है उसको वहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, उसको लोकोमोशन के लिए वो क्या करेगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी सोर्स है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देन द लास्ट वन इज टेल पार्ट, ठीक है, ये टेल पार्ट जो है वो क्या करता है, जनरली लास्ट पीस है एंड दिस टेल हेल्प्स द स्पर्म इन द फ्लूइड मीडियम, स्विम टू फ्लूइड मीडियम, ठीक है, स्पर्म को स्विम करने के लिए, फ्लूइड मीडियम में स्विम करने के लिए उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये थे स्पर्म के पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज हेड, देन नेक, देन मिडल पीस एंड टेल। हेड है उसमें एक क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम्स जो है उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है विच इज हेल्प द डिसॉल्विंग द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज नेक, नेक जो है उसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। थर्ड वन इज मिडल पीस, मिडल पीस जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एनर्जी सोर्स है स्पर्म का, कि स्पर्म की मोटिलिटी के लिए उसको क्या करेगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन द नेक्स्ट वन इज टेल, लास्ट पार्ट है टेल, टेल जो है उसका फंक्शन क्या होता है, वो फ्लूइड मीडियम जो है उसमें स्विम करने के लिए, स्पर्म को स्विम करने के लिए उसको हेल्प करता है, ओके। तो ये थे उसके फोर पार्ट्स, और जनरली जो ह्यूमन मेल्स इजाकुलेट 200 टू 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एट ड्यूरिंग द कोइटस, ठीक है, फर्स्ट एक बार गुल कोइटस होता है, जो मेटिंग होता है उसमें वो 200 टू 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। और उसके साथ सम फ्लूइड्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो एक फ्लूइड बनाता है, उसके साथ ये स्पर्म्स जो है उसमें मिक्सअप होते हैं और उसको हम क्या बोलेंगे, सीमन, ठीक है, वो सीमन जो है उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये था स्पर्म स्ट्रक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ओजिनेसिस की प्रोसेस, ओवम प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते हैं, स्टे एट होम, स्टे सेफ।